तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। बहुत ही वजन है यार इसमें, इसमें बहुत सारे सामान है जो मैंने मंगाए हैं और सारे के सारे एकदम 5% या उससे ज्यादा डिस्काउंट पे मेरे मिले हैं। इवन डिलीवरी बॉय मेरे बता रहा था ना, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक सब है ये सब उसका ही बगल वाला दुकान वाला, मतलब धनबाद में बगल दुकान वाला मंगवाता है और बेचता है। मतलब उसको मतलब इतना सस्ता है, उसको वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिल रहा है तो मेरे को सस्ता ही मिला। मैं आपको बताऊंगी, 70 रुपये प्रिंट लेने के साथ मेरे को 50 रुपये ऐसे कुछ देना पड़ा है, लेकिन मैं अभी सब कुछ आपको बता दूंगा। और एकदम सिंपल पता है, मैं अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा मेरे से मंगाने का, तो सिंपल अगर मॉल जाके शॉपिंग करते हैं तो उस तरह का जो बिल प्रिंट होता है उस तरीके से बिल प्रिंट भी करके दिया है और जिस तरीके से वहाँ शॉपिंग किया तो उस तरीके से था, बोरा में भर के लाया था और मेरे यहाँ पे दे दिया, इसीलिए मेरे को मैं इसमें दिखाना पड़ रहा है। ये सब साबुन है, सब का मेरे शायद 8 या 9 रुपये देना पड़ता है, दुकान में 10 रुपये दाम रहता है। और जो केक है जैसे ये 30 रुपये का है ये, और ये जान भी करते हैं इसको मेरे को 27 देना पड़ा। और जो ये सब केक है सबका 8 रुपये देना पड़ा, जो दुकान में 10 रुपये पड़ता था। तो इस हिसाब से ओवरऑल मैंने मिलाया तो मेरे को सस्ता ही पड़ा, कुछ भी मैंने मंगाया। और मेरे को पसीना वगैरह दिख इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज गजब गर्मी दे रहा है, मतलब तबाह गर्मी दे रहा है। और खुला में भी सामान भी बहुत सारा दिया है, खुला में देखा जाती है ठीक है। तो ये मेरे खुला में देखा पड़ा, प्रिंट वगैरह किया हुआ है, चना दाल लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सील मारा हुआ है। और इस तरह का बहुत सारा सामान है, जैसे कि हाँ, और एक मैं एक्सपीरियंस तो बताना भूल ही गया कि जैसे कि मैंने जो भी सामान मैंने मारा था वहाँ ऑनलाइन में JioMart.com जो मैं सामान मारा था वो सामान सब उस तरीके का नहीं, क्योंकि मैंने मारा था पतंजलि का यहाँ है गुड लाइफ का, ये 101 रुपये का था, 101 रुपये लीटर। और प्रिंट कितना है, प्रिंट 145 रुपये और मेरे को मिला ये 101 रुपये में। इस तरह का पतंजलि का था 125 का, लेकिन वो नहीं मिला तो वो पहले कॉल करके पहले बोल दिया कि आप मेरे पास यहाँ पे ये सामान, इसी मैंने शिमला मिर्च वगैरह मंगाया था। जैसे अगर सब्जी वगैरह हम देखा जाए तो सिर्फ प्याज मिला है, प्याज 16 रुपये के जी मिला है और 2 kg है, मतलब ये बोलता है कि सेम थैले में आता है और थैले हिसाब से दिया जाता है, तो 16 रुपये के जी हिसाब से मिला ये प्याज। मेरे ख्याल से इधर के हिसाब सस्ता ही, और चीनी 40 रुपये के जी के हिसाब से मिल रहा था। तो जैसा कि वो कॉल करके मेरे को पूछा कि ये सामान में अवेलेबल नहीं है ना, शिमला मिर्च ना ऐसा कुछ बोला, ये सब अवेलेबल नहीं है, तो ये सब मेरे को अभी मिल नहीं सकता, ये सब मिलेगा नहीं, तो ठीक है। तो उसके अलावा बोला कि ये उसको मिलेगा तो ये दे दीजिए, ठीक है तो वही दे दीजिए, तो मैंने वही मंगा लिया। ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक सबका मैं अभी आपको दाम भी बता देता हूँ, आपके 65 और इसका MRP है 70 रुपया। तो मैं अभी इसमें देखता हूँ कि इसमें कितना रुपया है दाम, आपको दिख रहा होगा रिलायंस स्मार्ट और यहाँ पे सब चीज़ का दाम लिखा हुआ था। यहाँ पे दाम मैं अभी देख लेता हूँ इसका, ठंडा का इसमें के लिए आपको एग्जैक्ट दी जाएगा। मैंने हाँ ओरियो का 27 रुपये बताया था, लेकिन नहीं उसका 28.5 है, यानी लोग 5% सब में घटाया है। और केक सब का भी 8.5 है, और क्या देखा जाए इधर तो अभी बस चीज़ का मैंने अभी देखा, जैसे 19 रुपये क्या था ये बेसन जो 20 रुपये से अगर कुछ होता है, और यहाँ पे क्लियर केन पे 8.5 रुपये करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बोले आपको यहाँ पे ऐसे नहीं सो रहा होगा, लेकिन 8.5 रुपये यहाँ पे है। आप जैसे थम्सअप का यहाँ पे 1.25 लीटर का 61.75, जबकि यहाँ पे आपका प्रिंट है आपको तो सो नहीं होगा, इसका यहाँ प्रिंट है 65 रुपये और यहाँ पे मेरे को मिला 61.7, लगभग 62 रुपीज़ में। माजा के प्रिंट आप यहाँ देख सकते 70 रुपीज़ और यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ 52 रुपीज़ मेरे को पड़ा इसका, यानी अच्छा खासा सस्ता। इसी के बारे में बोल रहा था वो डिलीवरी बॉय की ये सेम चीज़ दुकानदार मंगाता है और बेचता है। और सॉफ्ट ड्रिंक मैंने इसलिए मंगाया ना क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि दुकान में डुप्लीकेट देता है, क्योंकि मेरे को डाउट था कि दुकान डुप्लीकेट देता है, बहुत अलग अलग टेस्ट का महसूस हुआ है और लगता है एक्सपायर देता है, तो इसी के लिए मैंने सोचा मंगा यहाँ से, रिलायंस स्मार्ट से मंगा रहा हूँ तो ओरिजिनल ही मिलेगा, तो उसके लिए मैंने इसको मंगाया। तो उसको तो यहाँ पे ढक्कन में अंतर मेरे को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे गोदा हुआ लिखा हुआ है कोको कोला ठीक है, और जो दुकान से मिलता है वो प्रिंटेड रहता है ऊपर में, तो पक्का वो पायरेसी रहता है, आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा पायरेसी होता है। और मैं इसमें देखूँ तो इसमें भी सेम, इसमें भी गोदा हुआ है, लेकिन दुकान से हमें दिखता है कि क्या बोलते प्रिंटेड किया हुआ है, जैसे किले पास चलता है ओरिजिनल डुप्लीकेट, इसे मैं इसलिए मंगाया। और मैंने सेम इसको घड़ी को भी इसीलिए मैंने मंगाया ताकि कंपेयर कर सकूँ दुकान वाला से कि ओरिजिनल की डुप्लीकेट, क्योंकि दुकान में भी लगता है डुप्लीकेट देता है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी से लग रहा है कि सेम दुकान में मिलता है। और बाकी मैंने कोई कंपेयर करने नहीं मंगाया, बाकी सब तो सेम ही है, ये सब तो सेम ही। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि हाँ आप यहाँ से राशन वगैरह शॉप कर सकते हैं क्योंकि सस्ता में ही मिल रहा है, और राशन को लेता है तो 1000 को ऊपर रहता है, तो फ्री डिलीवरी। ऊपर से डिलीवरी बॉय को एक बात और बोला कि जहाँ मेन धनबाद है ठीक है, रिलायंस स्मार्ट हम लोग धनबाद जहाँ पर है वहां से शायद 50 किलोमीटर दूर सिर्फ 252 रुपये का डिलीवरी देने गया था, 252 या फिर 211 रुपये का डिलीवरी देने गया था गोमो। अगर आप मेरे ही व्यूअर हैं जो गोमो में जो हैं, आप अगर मेरे व्यूअर हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर टेलीग्राम में @ में जरूर बताइए क्या वो आप ही थे, मेरे को लग रहा था कि पक्का वो मेरे व्यूअर होगा टेलीग्राम में, मैंने जिस अपडेट डाला था उसने देख के वो मंगाया होगा। 211 रुपये डिलीवरी देने, उसको सिर्फ उसे डिलीवरी देने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। जब डिलीवरी बॉय ने उससे पूछा कि इतना 211 रुपये के लिए इतना दूर क्यों मंगवाए, तो बोलता वो ला कि मैं सिर्फ चेक करना चाहता था कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अच्छा किया चेक कर लिया, तो उसको मैंने घर तक अपना दिखा दिया, अगली बार मैं मंगाऊँ तो अच्छा रहेगा, मम्मी ने बताई कैसा क्वालिटी है सबका, बेसन वगैरह प्याज वगैरह, प्याज बड़ा बड़ा दे दिया, ये एकदम पूरा मुर्गा मीट सब होता है ना उसको बनाने के लिए बड़ा बड़ा दे दिया, फिर भी जो है अच्छा है, बहुत आसान मंगा लिया। ओरियो मैंने मंगाया था 2 पीस, लेकिन दिया 1 ही पीस, ऐसा नहीं है कि 2 पीस का पैसा काटा है,
इस यहाँ पे मुझे जो सामान मिला है ना उस सबको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना पड़ा, उतना ही पैसे देना पड़ा जितना सामान मेरे को मिला है। बाकी ऐसा हो सकता है, वो भी बोला था कि ऐसा हो सकता है कि आपने जो जियो मार्टे मारा था वो सामान भले कम मिला फिर कुछ कुछ नहीं मिला हुआ, लेकिन यहाँ पे जो भी सामान आपको मिला है वो सबका वो सिर्फ वही सबका वो पैसा देना पड़ा है। बाकी और एक इंटरेस्टिंग बात वो बोला कि सिर्फ धनबाद में वही एक अकेला है जो इसमें काम कर रहा है, वही ऑर्डर ले रहा है और वही डिलीवर भी कर रहा है। और मेरा डिलीवर कितना दिन में कर दिया, 2 दिन में डिलीवर कर दिया। लगभग ऊपर से संडे को ऑर्डर किए थे, अरे यार 2 दिन काम, कल ही ऑर्डर किए थे और आज पहुंचा दिया जबकि आज ईद है। आप भी ईद का अगला दिन वीडियो देख रहे होंगे लेकिन आज एक ही दिन ही पहुंचा दिया, कल ही ऑर्डर किए थे आज पहुंचा भी दिया। अच्छा सर्विस, अगली बार से मेरे ख्याल से आज सुबह ऑर्डर करें या शाम तक पहुंचा देगा, इतना अच्छा सर्विस देता होगा। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई भी ग्रोसरी वगैरह होम डिलीवरी करवाने का। वैसे जो लोकल मॉल्स होते हैं वो होम डिलीवरी भी ऐसे ही करते हैं, कहीं का भी हो डायरेक्ट घर जाते हैं, लिस्ट देखते हैं, झोला में सामान डाल देते हैं। फिर भी ओवरऑल मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन सब मंगाने का, तो इसलिए मैंने डाल दिया। और आपके लिए भी अगर नया है क्या है तो बताइए जरूर कमेंट में, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, क्या कमी था वगैरह वगैरह। सो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक दीजिए, अब जो सब्सक्राइब नहीं किया जो रेड बटन सब्सक्राइब कर उसमें क्लिक करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल कर दिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। पसीना पसीना पूरा हो गया यार, फिर भी वीडियो बनाना मेरा मकसद था। सो बाय, हैव अ गुड डे।